बारामूला में जो कल एनकाउंटर शुरू हुआ था उस हवाले से आपको अपडेट देंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि इस एनकाउंटर में एक आर्मी का जवान घायल हुआ है। अब ताजा तफसीलात है कि फिर से जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू हो चुका है और गोलियों का तबादला शुरू में हुआ था, और अब क्या कुछ सूरत हाल है नदीम से जानेंगे। सबसे पहले आपको ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखाते हैं। तो सीधा तस्वीर है काउंटर साइड से आप देख रहे हैं, जहाँ पर गोलियों का तबादला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान। अब फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वहीं पर ग्राउंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल एक आदमी का जवान भी इसमें घायल हुआ था। तो चलिए रुक करते हैं, बारामूला से हमारे नुमाइंदे नदीम है हमारे साथ। नदीम बताइएगा इस एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ ताजा तफसीलात है फिलहाल। हाँ जी प्रियंका, जैसे कि कल ही लगभग अगर हम देखें 11:30 के आसपास जो है वन सिरन सुल्तानपुरा कंडी का ये इलाका बारामला में जो पड़ता है वहां पे जो है कल रात लगभग अगर हम देखें कल रात देर गए तक जो है ये ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें अगर हम देखें स्टार्टिंग की अगर हम बात करें जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वन सिरन इलाके को पूरे मुहासरे में लिया था। अगर हम बात करें 52 RR के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस SOG और CRPF ने जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, और जो ही वो सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंचे थे तो वहां पे जो है छुपे हुए मिलिटेंट्स की जानिब से जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है गोलियां चलाई गई थी, जिसमें अगर हम देखें इनिशियल स्टेज पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान जो है वो उस पर जख्मी हुआ था, जिसकी अगर हम देखें जिसको टांग में गोली लगी थी, और उसके बाद की अगर हम बात करें उसको उठाया गया वहां से हॉस्पिटल लिया गया था, और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। तो और अगर हम देखें इस सुल्तानपुरा कंडी इलाके की बात करें, एक तो ये रिहायश पजीर इलाका है और साथ ही साथ अगर हम देखें जो जंगलाती इलाका है, क्योंकि अगर हम देखें घने घने जंगल जो है इसके साथ में जो है वहां पे है, और उसके चलते अगर हम देखें कल रात देर गए तक जो है ये ऑपरेशन चलता रहा, सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूअसली जारी रहा। अगर हम देखें लाइट्स इंस्टॉल की गई थी और ड्रोन्स के जरिए भी जो है यही कोशिश की जा रही थी कि ये मिलिटेंट्स कहाँ छुपे हैं, लेकिन अगर हम रात की बात करें तो अंधेरे की अगर हम बात करें तो अंधेरे में जो है इस ऑपरेशन को रोका गया था, और आज सुबह सुबह पहली किरण पढ़ने के साथ ही जो है इस ऑपरेशन को एक बार फिर स्टार्ट किया गया है। रेनफोर्समेंट जो है वहां पे मंगाई गई है, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस या SOG की बात करें तो वो वहां पे लगातार जो है इस एरिया को अभी भी खंगाल रही है। यही कोशिश की जा रही है कि उन मिलिटेंट्स जिन्होंने कल इनिशियल स्टेज में जो फायरिंग की थी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर उनको ढूंढा जाए, और अगर हम देखें कल लगभग अगर हम देखें कल 11 बजे 11:30 के आसपास सुबह जो है ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, और आज की अगर हम बात करें अभी एक बार फिर जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, सर्च ऑपरेशन। अभी हालांकि अभी ये नहीं कह सकते कि एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, अभी जो है फिर एक बार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अगर हम देखें इंडियन आर्मी 52 RR के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस SOG CRPF जो है लगातार यही कोशिश कर रही है, इस पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है, और यही देखने की कोशिश की जा रही है कि किस जगह पे जो है ये मिलिटेंट्स छुपे हो सकते हैं, और उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या ये एनकाउंटर में तब्दील होगा या कुछ और तफसीलात जो है वो सामने आएंगी, वो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। जी प्रियंका बिल्कुल, ये भी बताइएगा नदीम, जो आर्मी जवान घायल हुआ था फिलहाल उनकी किस तरह की स्थिति बनी है? हाँ जी प्रियंका, जो आर्मी जवान जख्मी हुआ था क्योंकि उनकी टांग में गोली लगी थी, उसको फिर GMC बारामला हॉस्पिटल में इंतकाल किया गया था, जिसके बाद जो है वहां पे उसको ट्रीटमेंट दिया गया, और उसके बाद जो है इंडियन आर्मी का जो बेस कैंप है हॉस्पिटल श्रीनगर में है वहां उसको लिया गया, और उसकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई जा रही है। और अगर हम देखें अभी भी जो है ये सर्च ऑपरेशन, हम इसको भी सर्च ऑपरेशन ही कह सकते हैं क्योंकि नया तब जो है नया इनके साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं हुई है, कोई भी कॉन्टैक्ट जो है अभी दोबारा से नहीं हुआ है आर्मी और मिलिटेंट्स के दरमियान, तो अभी जो है सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी जारी है। जी बिल्कुल, आखिर में बताई गई जो इलाका है बारामूला का पूरी तरह से रिहायशी इलाका है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें ये सुल्तानपुरा कंडी का इलाका है और रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ अगर हम देखें इसके आसपास जो जंगल है वहां पे भी जो है कोशिश की जा रही है ढूंढने की, क्योंकि अगर हम देखें घना जंगल है तो उसमें अगर हम देखें रात को काफी मुश्किलें जो है वो इंडियन आर्मी को सामने आती है, तो उसके चलते जो है ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन अगर हम देखें सुबह पहली किरण पड़ने के बाद ही जो है इस ऑपरेशन को फिर एक बार स्टार्ट किया गया है और सर्च जो है अभी जारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे जेके न्यूज़ पर।